बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रूमी बगदाद आया, उसने वहाँ के हाकिम से कहा कि मेरे तीन सवाल हैं। अगर आपकी सल्तनत में कोई ऐसा आदमी हो जो मेरे इन सवालों के जवाब दे सके तो उसे बुलाएं। हाकिम ने ऐलान कर दिया, सारे उलमा जमा हुए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ मौजूद थे। रूमी एक ऊंची सी जगह पर जिसे मिंबर कहते हैं चढ़ गया और उसने तीन सवाल किए। सवाल ये थे कि बताओ खुदा से पहले कौन था, और दूसरा सवाल ये था कि बताओ खुदा का रुख किधर है, और तीसरा सवाल ये था कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। उसके सवाल सुनकर सब खामोश हो गए। इमाम साहब आगे बढ़े और फरमाया, इन सवालों के जवाब मैं दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मिंबर से नीचे उतर आएँ। वो आदमी नीचे उतर आया और इमाम साहब इसकी जगह पर जाकर खड़े हो गए। रूमी ने पहला सवाल किया, बताओ खुदा से पहले कौन था। इमाम साहब ने उससे कहा, गिनती गिनो। रूमी ने गिनना शुरू किया। इमाम साहब ने उसे रोक दिया और कहा, एक से पहले गिनो। रूमी बहुत परेशान हुआ, कहने लगा, एक से पहले तो कोई गिनती नहीं है। इमाम साहब ने फरमाया, बस खुदा से पहले भी कोई नहीं है। फिर रूमी ने दूसरा सवाल किया, बताओ खुदा का रुख किधर है। इमाम साहब ने एक मोमबत्ती जलाई और रूमी से पूछा, बताओ इसकी रोशनी का रुख किधर है। रूमी कहने लगा, सब तरफ है। इमाम साहब ने फरमाया, इसी तरह खुदा का रुख भी सब तरफ है। उसके बाद फरमाया, तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब ये है कि खुदा ताला इस वक्त ये कर रहा है कि उसने तुम्हें मिंबर से नीचे उतार दिया और मुझे ऊपर चढ़ा दिया। रूमी ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और वापस चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।